राधे राधे। आज हम पहुंचे हैं कालका जी मंदिर दिल्ली। आप जान ही रहे हैं कि कालका जी मंदिर एक हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस मंदिर में मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं और माता रानी का श्रद्धा अर्पण के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी कहानी बता दूं मैं आपको कि ये इनकी जो मंदिर स्थित है बताया जाता है कि लगभग 3000 साल पुरानी मंदिर है और ये लोटस टेम्पल के जस्ट ही मतलब उसके सामने से ही रास्ता आती है और यहीं पे जो है सो ये मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि ये 51 शक्ति पीठों से भी एक माना जाता है। इस मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्ध पीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी इतिहास मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि लोटस टेम्पल के मुकाबले यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल ही शून्य हैं। ज़्यादा लोग श्रद्धालु जो हैं सो बहुत ही कम संख्या में हैं। और मुझे यहाँ की जो परेशानी दिखी वो परेशानी मुझे यहाँ की ये दिखी कि जब मैंने वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग, बड़े लोग और मुझे लगता है कि उनकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होंगे, वो सभी लोग पहुँच के प्रसाद का सेल करने लगे। आप हमसे लो और आपस में ही झगड़ा करने लगे कि नहीं मैं दूंगा तो मैं दूंगा। इस तरह से ऐसा लगा कि जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी बंदर के बीच में अगर मुढ़ी का ये पन्नी यानी वो पैकेट रख दिया जाता है तो सभी बंदर मिलकर उसको फाड़ के जो है सो बर्बाद कर देते हैं। कुछ उस तरह का ही वहाँ पे फीलिंग आया। वैसे मैंने एक व्यक्ति से प्रसाद खरीदा और माता रानी को मेरे जो साथ मित्र थे उनके माध्यम से मैंने माता रानी का दर्शन किया और प्रसाद भी उन्हीं के माध्यम से मैंने चढ़ाया। यहाँ बहुत ही कहा जाए तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पहुँचें। और हमारी एक रिक्वेस्ट है यहाँ के पंडित पंडा जी से कि कृपया जो वो भक्त के साथ जो व्यवहार करते हैं वो ना करें। मैंने बहुत सारा जगह गया, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, चारमीनार, सभी जगह गया, लेकिन इस तरह का व्यवहार मैंने कहीं नहीं पाया कि जो हर मतलब जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे पैसे की डिमांड, कोई टिकट की नहीं, पंडा आपका गट्टा पकड़ के जो है सो पैसे का डिमांड करते हैं कि पैसा दीजिए, चढ़ावा दीजिए। आखिर ये भगवान डायरेक्ट क्या अपने पास रुपया मंगा लेते हैं क्या? तो ये सब पंडा और पंडित जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि कभी कभी लोगों का जो है सो अपने धर्म के आस्था जो है आस्था के प्रति गुस्सा भी उठता है। मुझे खुद गुस्सा उठा था यहाँ के व्यवहारों से। देख लीजिए मतलब भगवान के आगे पैसा पसार देते हैं। और मैंने एक इसमें पॉइंट की बात बताता हूँ कि आप जब कोई प्रसाद चढ़ाते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप पैर हाथ धो लें, अच्छे से श्रद्धापूर्वक जो है सो माता रानी से दर्शन करें या कुछ भी। लेकिन अब जब आप पैसे की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि पैसा एक ऐसा पैसा है कि हर तबके के लोगों के पास जाते हैं, नाला से लेकर शराब खाने से लेकर मैं कहाँ बताऊँ वहाँ तक पैसे जाते हैं। लेकिन कभी ये पंडा या पंडित जी ये नहीं कहते हैं कि आप इसे धो के माता रानी को चढ़ाइए या कुछ भी। लेकिन जब आप बात करेंगे मंदिर में प्रवेश के तो आपके साथ ऐसा मतलब व्यवहार करेंगे कि आप पवित्र हो जाइए, लेकिन पैसा के साथ आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप पवित्र होइए। तो ये सब सारी परेशानियां हैं। तो मैं वहाँ के पंडा वहाँ से व्यवस्थापक संस्थापक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे दूर करें। और पूरे भारतवर्ष में सभी जगह मंदिर का यही स्थिति है, पूरा संकीर्ण बना दिया जाता है। अब यदि झारखंड जाएंगे तो वहाँ के भी बैद्यनाथ मंदिर का भी वही दशा है, चारों तरफ से लोगों को संकीर्ण कर दिए हैं और पंडा का दुर्व्यवहार देख के आपको बहुत ही गुस्सा उठेगा। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जरूर पहुँचे कालका मंदिर और माता रानी का दर्शन करें। और माता रानी के दर्शन के बाद आप जो भी मनोकामनाएं कहेंगे वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पूर्ण होने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी सही लगी होगी। और जानकारी क्या, मैंने अपनी भावना को स्पष्ट किया हूँ कि हमारी ये भावना है, आहत हुई है। तो खैर कोई बात नहीं है, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने मित्र के साथ कहें कि हर धार्मिक स्थल पर पहुँचें। और पहुँचने के बाद जो है सो वहाँ आप माता रानी से दर्शन करें, हनुमान जी से दर्शन करें। और दूसरी बात मैंने यहाँ देखा कि जो मतलब बहुत सारे मैंने सब जगह पहुँचा लेकिन यहाँ पे देखा कि ये क्या कहते हैं मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि बगल में यहाँ से वहाँ लाइन में सभी बैठ गए हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मुझे 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, जो बिल्कुल सही नहीं लगता धार्मिक स्थल पर। तो व्यवस्थापक इस सभी पर ध्यान दें। धन्यवाद, थैंक्स मेरे मित्र।